अगर हमें लिमिट का क्वेश्चन दिया गया है, हम पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो हमारा फंक्शन स्टेप फंक्शन है, क्या वो हमारा फंक्शन पीसवाइज डिफाइन फंक्शन है, क्या वो हमारा फंक्शन ऐसा है कि जिस पॉइंट पे हमें लिमिट लेने के लिए बोल रहे हैं क्या उस फंक्शन के डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। अगर इस तरह के फंक्शन आए तो वहां पर तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, ठीक है। अगर इस तरह के फंक्शन नहीं दिखे, ध्यान देना, अगर इस तरह के फंक्शन नहीं दिखे तो जो भी क्वेश्चन होगा पहले हम स्टैंडिंग वैल्यू को इस फंक्शन में डालेंगे। ध्यान देना, आप लोग ध्यान से सुनना, लिमिट एकदम आसान हो जाएगा। अगर ये हमारा फंक्शन इन तीन फंक्शनों कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब स्टेप फंक्शन, ठीक, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन, ठीक, या पॉइंट नॉट इन डोमेन टाइप के, अगर इन तीनों कैटेगरी में ये हमारा फंक्शन नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कि इस सीधे स्टैंडिंग वैल्यू को इस फंक्शन में डालेंगे, स्टैंडिंग वैल्यू को उठा के इस फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, सपोज करिए हमने डाला यहां पर हमें एफ ए मिला, ठीक, अगर ये हमारा एफ ए फाइनाइट रहा, फाइनाइट मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी, अगर ये हमारा एफ ए फाइनाइट रहा तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक। अगर मान लीजिए ये एफ ए प्लस माइनस इंफिनिटी आ गया तो भी ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अगर ये हमारा एफ ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, ठीक, अगर ये हमारा फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो हमें लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, देन सॉल्व अहेड, ठीक। कहने का क्या मतलब है कि पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो हमारा फंक्शन इन तीनों फंक्शन के कैटेगरी में तो नहीं लाई कर रहा है, अगर लाई करेगा तो हम LHL और RHL का यूज करके लिमिट फाइंड कर लेंगे, ठीक। अगर इसमें नहीं लाई कर रहा है तो हम सीधे क्या करेंगे, स्टैंडिंग वैल्यू को उठा के इस फंक्शन में डाल देंगे। जब भी हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैंडिंग वैल्यू को उठा के इस फंक्शन में डालेंगे, जो हमें एफ ए मिलेगा उसको चेक करेंगे क्या वो फाइनाइट रिजल्ट है, मतलब कोई नंबर हो सकता है, ठीक। अगर वो फाइनाइट रिजल्ट होगा तो वो भी हमारा आंसर हो सकता है, अगर वो प्लस माइनस इंफिनिटी दे रहा है तो वो भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत है। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं, आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। यहां पर आप लोग ध्यान से देखना जो है आपको सब समझ में आ जाएगा। इन डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक, और यहां पर हम बता रहे हैं आपको अनडिफाइंड, अनडिफाइंड किसे बोलते हैं, और यहां पर देखना डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं। इसको जानने से पहले हम डिटर्मिनेट फॉर्म देख लेते हैं। सपोज करिए जैसे हम कोई नंबर लिखें 2/5, ठीक, ध्यान देना डिटर्मिनेट मतलब जिसकी वैल्यू आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं, मतलब बता पा रहे हैं किसकी ये वैल्यू हो सकती है, इसकी ये वैल्यू होगी, हो सकती नहीं, होगी। मान लीजिए हमने 2/5 लिखा, इसको हमें चेक करना है डिटर्मिनेट है कि नहीं, तो ये तो दिख ही रहा है डिटर्मिनेंट है, लेकिन हम एक प्रोसेस बता रहे हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ध्यान देना, आप इसे किसी वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए, मान लीजिए हमने इसको मान लिया y, ठीक, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, आ गया 5y। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप y की ऐसी कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करें ताकि जब यहां पर रख दे तो ये हमें 2 मिल जाए, तो आप सीधे रिजल्ट बताएंगे 2/5। अगर आप y की वैल्यू 2/5 ले लें तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। यहां पर आप जो है y की वैल्यू निश्चित से बता पा रहे हैं, मतलब यहां पर आप y की वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक। यहां पर आप इसका सोल्यूशन बता पा रहे हैं, यहां पर देखना अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है। सपोज करिए हमने कोई नंबर लिया, कोई भी कांस्टेंट लिया, ठीक है, यहां पर देखना कांस्टेंट अपॉन जीरो, कांस्टेंट अपॉन जीरो करेंगे ये अनडिफाइंड फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5/0 ले लिया, ठीक,
अब इसे चेक करना है ये अनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं, तो आप कोई इसको किसी वेरिएबल m के इक्वल मान लीजिए, ठीक, आप इस डिनोमिनेटर को ले जाइए इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ गया 5 इक्वल टू 0 इंटू m, ठीक। अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई साहब आप बताइए m की कोई ऐसी वैल्यू बताइए ताकि यहां पर रख दे तो ये हमें 5 मिल जाए, तो आप ना यहां पर चाहे कोई रियल वैल्यू रख ले, रियल के अंदर सब आ जाते हैं, कौन कौन, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम सब आते हैं, ठीक। आप चाहे यहां पर कोई रियल नंबर रख लें या कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ला के रख दें, फिर भी आप अगर इस जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव कभी नहीं आने वाला है, इसका मतलब आप यम की कोई ऐसी वैल्यू नहीं ला सकते हैं जिसको आप जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच आ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड फॉर्म, क्योंकि हम डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। यहां पर देखना इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों बोलते हैं, ध्यान देना ध्यान देना, सपोज करिए जैसे हम यहां पर, हाँ अब इसी वक्त हम लोग ये भी देख लेते हैं, सपोज करिए यहां पर हमारे पास 0/0 दिया है, अब इसको हम लोग क्यों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, वैसे हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं जिसमें से हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, हम 0/0 लिए, इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों कहते हैं, आप इसको किसी वेरिएबल के इक्वल ले लीजिए, मान लीजिए ये n के इक्वल है, ठीक, जीरो को आप इधर रखिए, इस जीरो के लिए जाकर इसमें मल्टीप्लाई करिए। अब हम आपसे पूछते हैं कि n की आप कोई ऐसी वैल्यू बताइए जिसको यहां पर पुट कर दें ताकि वो इस जीरो से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जीरो दे, तो आप कहेंगे सर जी n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हर वैल्यू जब आप इसमें जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, लेकिन भाई हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका कुछ फाइनाइट नंबर आने चाहिए ना, एक फाइनाइट रिजल्ट आने चाहिए, यहां पर तो आप n की कोई भी वैल्यू रख दे सबको सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप n की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, आखिरकार यहां पर कौन सी फिक्स वैल्यू रखें कि ये इसको सेटिस्फाई करे, आप देखेंगे कि यहां पर n के अनगिनतों मतलब बहुत सारे वैल्यू मतलब अनंत वैल्यू आप यहां पर कुछ भी रखें जो है तब भी ये जीरो आ जाएगा, इसका मतलब आप यहां पर n की कोई फिक्स वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं हमारे पास कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, तो ध्यान देना हमारे पास कुल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, इनके अलावा अगर कोई भी हमें मिलेगा तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा या अनडिफाइंड फॉर्म होगा, उसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बोलेंगे। अगर आपको डाउट होता है तो जो मेथड्स बताए गए हैं उसके तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर जैसे पहला हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 0/0, ठीक, दूसरा है हमारा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ठीक, तीसरा है हमारा इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाएंगे तो आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, हाँ लेकिन अगर आप इनफाइनाइट/इनफाइनाइट करते तो आपको ये पता था कि दो बड़े बड़े नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये तो पता नहीं है कि क्या आने वाला, लेकिन हाँ ये आशा जरूर लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो कोई एक बड़ा नंबर ही होगा, खत्म खेला, ठीक, ध्यान देना। एक होता है 0/∞, ठीक, यहां पर देखना, एक होता है हमारा इनफाइनाइट/0, ठीक, इनफाइनाइट/0, एक और होता है 0/0, ठीक, एक होता है 1^∞, आप इसे काउंट करिए टोटल 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनके अलावा और कोई भी हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल के लिए, कोई कहे अगर इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, तो आप बताइए ये दो बड़े बड़े नंबर हैं, आप इसे जब ऐड करेंगे तो एक कोई बड़ा नंबर ही आने वाला है ना, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। या आपसे कोई कहे इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, भाई साहब कोई दो बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या आने वाला है, इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पर ये मत बोल देना कि इनफाइनाइट/इनफाइनाइट के स्क्वायर आ जाएगा, भाई इनफाइनाइट को तुम जानते ही नहीं तो स्क्वायर के बारे में कैसे बात करो, ठीक है। तो ध्यान देना इन सब फॉर्म में जो है ना इन्फिनिटी/इन्फिनिटी जो है अलजेब्रिक रूल फॉलो नहीं होते, कि आप जो है लिख दो जो है इनफाइनाइट को वेरिएबल मान के अलजेब्रिक रूल क्या है इनवैलिड फॉलो नहीं होते हैं, ठीक। अब ये नहीं कि आप इनफाइनाइट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो a इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस b इंटू इनफाइनाइट प्लस c इक्वल टू a, अब इनफाइनाइट रूट्स फाइंड करो, ठीक, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो
इन सब में जो है ये वैलिड अलजेब्रिक रूल वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।